हेलो टाकू पीपल, तो कैसे हो तुम लोग। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक मैं दोबारा वापस आ गया हूँ विद द मॉन्स्टर सीरीज। सो आज के इस वीडियो में हम मॉन्स्टर सीरीज का एपिसोड नंबर 8 को कवर करेंगे। सो अगर तुम लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर भी दिया हुआ है। सो गो एंड चेकआउट फ्रॉम देयर। और जिन लोगों ने देख लिया है वो लोग तैयार हो जाओ टू बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेनमा हॉस्पिटल लौट आया है और काफी टाइम बाद वो एक सर्जरी परफॉर्म करता है एंड एज यूजुअल वो सक्सेसफुल होता है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद सारे डॉक्टर उसकी तारीफ करने लगते हैं बट तेनमा को देखकर लगता है वो काफी ज्यादा उदास है। यहाँ से सीन चेंज होकर हम एवा को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके सोई पड़ी होती है। वो सपने में तेनमा के साथ बिताए हुए दिनों की याद करने लगती है। कुछ देर बाद वो नींद से जागती है और दोबारा ड्रिंक करने लगती है। तभी उसे बाहर किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने बटलर को बुलाती है। वो बटलर आके खबर देता है कि पुलिस का एक आदमी उससे मिलने के लिए आया है। ये आदमी असल में लंच होता है। वो एवा के कमरे को देखकर कहता है आपने आपके फादर के डेथ के बाद भी अपने रिच कल्चर को काफी ज्यादा मेंटेन किया है। एवा इसे थोड़ा बॉदर्ड फील करती है। वो कहती है कि आप यहाँ पे मेरे वेल्थ को देखने के लिए आए हैं तो फिर सुनिए, मेरे फादर के डेथ के बाद और मेरे डाइवोर्स के बाद जो भी मिला उससे मेरा बहुत अच्छा टाइम बीत रहा है। मेरे पास किसी भी चीज का कोई कमी नहीं है। लंच कहता है आज मैं तुम्हारे पास एक नेक टाई को लेकर आया हूँ। इसे देखकर बताओ कि तुम इसे पहचानती हो या नहीं। इसके बाद लंच वो टाई बाहर निकालता है और कहता है ये बहुत ही महंगी और लिमिटेड एडिशन टाई है। जिस दुकान से 9 साल पहले इसे खरीदा गया था वहाँ के लिस्ट में मुझे तुम्हारा नाम मिला है। एवा कुछ देर तक सोचती है फिर कहती है मुझे याद नहीं, मैंने कई सारे लोगों को काफी महंगी चीजें गिफ्ट किए हैं। मेरे साथ आज तक जो भी रिलेशन में रहे हैं वो सारे सिर्फ मेरे पैसों को देख कर आए थे। सो मैंने उन पर अपने काफी पैसे लुटाए हैं। अगर आपको भी कुछ चाहिए तो आप बता सकते हैं। लंच समझ जाता है कि इससे पूछने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो कहता है ठीक है, अगर तुमको कुछ याद आए तो मुझे कॉल कर लेना। इतना बता के वो वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर जाती है जमीन पर पड़े हुए एक तस्वीर पर जो कि तेनमा और एवा की होती है। लंच के जाने के बाद एवा दोबारा ड्रिंक करने लगती है और उस तस्वीर को हाथों में लेकर उस रात की बात याद करने लगती है जब उसने तेनमा के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अगले दिन तेनमा अपने एक पेशेंट से बात कर रहा होता है। तभी एक नर्स आकर खबर देती है कि तेनमा से मिलने के लिए कोई आया है। तेनमा देखता है कि वो असल में एवा है। तेनमा और एवा दोनों कैंटीन में बैठकर बातें करने लगते हैं। एवा कहती है पिछले कुछ सालों में हम दोनों ही काफी चेंज हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम आजकल काफी स्ट्रेस में रह रहे हो। तेनमा कहता है सेम गोज फॉर यू। एवा थोड़ा स्माइल करती है और कहती है तुमने भी मेरे बारे में वो रूमर सुने हैं क्या। इसके बाद एवा तेनमा को उनकी पुरानी बातें याद दिलाने लगती है जब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तभी तेनमा अचानक एवा से कहता है तुम जो सोच रही हो वो पॉसिबल नहीं है। इतना बता के तेनमा उठकर वहां से जाने लगता है। एवा उसे पीछे से रोकती है और कहती है मैं दोबारा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे लाइफ में 3 डाइवोर्स होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम ही मुझसे सच्चा प्यार करते थे। तेनमा कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ बट अभी मुझे कुछ और काम कंप्लीट करना होगा। एवा फिर से कहती है मैंने पुलिस को यह नहीं बताया है कि वो नेकटाई तुम्हारा था। तुम चाहोगे तो मैं पूरी जिंदगी चुप रहने के लिए तैयार हूँ। तेनमा इन बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और चला जाता है। तब गुस्से में एवा सारे पेशेंट्स के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि कासल में वो मर्डर तुमने ही किया है। यहाँ से सीन चेंज होकर हम देखते हैं कि एवा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया होता है और लंच तेनमा को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स लेकर हॉस्पिटल जाने वाला होता है। इस तरफ तेनमा डायरेक्टर के पास जाता है और रिजाइन कर देता है। ये देखकर डायरेक्टर भी हैरान हो जाता है बट उसके कुछ कहने से पहले ही तेनमा वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद पुलिस के लोग हॉस्पिटल को घेर लेते हैं और तेनमा को ढूंढने लगते हैं बट उनके काम में बाधा देते हैं वहां के पेशेंट्स। वो लोग कहते हैं हम नहीं मानते तेनमा ने ये सब किया होगा, हम चाहते हैं तुम लोग यहां से चले जाओ। इस तरफ तेनमा हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को लेकर भाग गया होता है और जाते जाते वो हॉस्पिटल की तरफ देखकर उस दिन की बात याद करने लगता है जब उसने पहली बार जोहान को देखा था। और फिर उसके सामने आता है वो सीन जहां पे जोहान ने उसी के सामने एक आदमी का मर्डर कर दिया।
एंड यहाँ पर एपिसोड नंबर 8 की स्टोरी खत्म हो जाती है। आई नो आज की एपिसोड थोड़ी सी छोटी हो गई, बट अगले दिन से मैं 2 या फिर 3 एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो अगले दिन से वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। और अगर तुम लोगों को आज के वीडियो पसंद आया देन वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करो, और कमेंट्स में बताओ कि मॉन्स्टर की स्टोरी तुम लोगों को कैसी लग रही है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।